नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। कब आएगा रोहित शर्मा का शतक? हिटमैन है कि शतक लगाते ही नहीं। रोहित शर्मा अर्धशतक तो लगा देते हैं, लेकिन शतक कब आएगा? अरे 2020 के हो गए, 2020 के बाद से अभी तक शतक नहीं आया, कैसे ओपनर है? सारे सवालों का जवाब रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में दे दिया है। जी हाँ, रोहित शर्मा ने इंदौर में जो वनडे मैच है, तीसरा वनडे मैच, उसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर का तीसवा शतक लगाया और इसके साथ ही उन्होंने जो शतकों का सूखा चल रहा था उसे भी खत्म कर दिया है। 85 गेंद पर 101 रन की पारी उन्होंने खेली है और इस दौरान उन्होंने 9 चौके लगाए और 6 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट रहा 118 का, लेकिन रोहित शर्मा की यह पारी काफी यादगार है। शतक, इससे बड़े शतक, इससे यादगार शतक उन्होंने अपने करियर में लगाए हैं, लेकिन यह शतक जरूरी इसलिए था, यह शतक इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 3 साल के बाद आ रहा था। वहीं अगर उनके करियर की बात करें, 30वां शतक है वनडे करियर का, एक कप्तान के तौर पर तीसरा, केवल तीसरा शतक है कप्तान के तौर पर। जब हम उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा जब रनों की बारिश करते हैं तो लगातार बड़ी बड़ी पारी खेलते हैं, लेकिन पिछला कुछ साल उनके हक में गए नहीं। खराब फॉर्म में तो नहीं कहेंगे क्योंकि अर्धशतक आ रहे थे, लेकिन अर्धशतक को शतक में वो तब्दील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये सूखा न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में खत्म हो गया। 101 रन की पारी खेली, 101 रन का शगुन उन्होंने दिया है अपने देशवासियों को और अब उम्मीद करेंगे कि जो ये शतकों का सिलसिला अब शुरू हुआ है वो अब लंबे वक्त तक चलता रहेगा। रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल ने भी एक अच्छी पारी खेली, एक अपने करियर का 4th शतक लगाया और अपने कप्तान का एक बेहतरीन तरीके से योगदान दिया। दोनों ने 200 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप करी और भारत को एक बड़े स्कोर की तरफ उन्होंने नींव रख दी। तो रोहित शर्मा के शतक के बारे में आप क्या कहेंगे शुभमन गिल के शतक के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपने न्यूज़ नेशन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।